मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डोंबिवली में एक 19 साल की युवती के घर में घुसकर एक युवक ने बलात्कार करने की कोशिश की। अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया तो उस युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात डोंबिवली से सामने आई है। इस मामले में रामनगर पुलिस ने आरोपी दीपक भनगे को गिरफ्तार कर लिया है। डोंबिवली पूर्व में सुनील नगर में रहने वाली एक 19 साल की BSc की छात्र घर में अकेली थी। तभी उसके परिसर में रहने वाले दीपक भनगे युवती को घर में अकेला पाकर जबरन घुस गया और लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाया और पोल खुलने की डर की वजह से दीपक भनगे ने युवती का गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की की मां जब शाम को घर वापस लौटी तो शव संदिग्ध अवस्था में पड़ी थी। मामले की जानकारी मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौंकाने वाला खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आया कि युवती से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, मगर सफल ना होने पर उसकी हत्या कर दी। डोंबिवली पूर्व सुनील नगर या परिसरामध्ये एका इमारतीमध्ये सदरची तरुणी ही राहत होती। त्याच बिल्डिंगमध्ये दीपक भनगे या नावाचा तरुण मुलगा हाही राहत होता। सदरचा आरोपी तरुण दीपक भनगे हा नमूद मुलीच्या घरामध्ये कोणत्या तरी बहाण्याने घरामध्ये आतमध्ये गेला। त्याच बिल्डिंगमध्ये राहत असल्या कारणाने सदरची मुलगी त्याला ओळखत होती। सदरवेळी नमूद दीपक भनगे याने सदर तरुणीबरोबर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला। त्यावेळी सदर मुलीने त्याला प्रतिकार करताच आरोपी दीपक भनगे याने सदर मुलीचा गळा आवळून तसेच तोंडावर उशी दाबून सदर मुलीची हत्या केलेली आहे व तो घटनास्थळावरून पळून गेलेला आहे। सदर घटनेची पोलिसांना माहिती प्राप्त होताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन सदर घटनेच्या अनुषंगाने माहिती प्राप्त करून आरोपी त्याचा कसून शोध घेऊन काही अवधीतच आरोपीला ताब्यात घेऊन सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। सदर पुढील तपास चालू आहे। सर, हा कोण आहे आरोपी आणि मुलीच्या काय प्रोफाइल? मुलगी BSc शेवटच्या वर्षामध्ये कॉलेज शिक्षण घेत आहे आणि आरोपी समूह सध्या बेकार आहे, कोणत्या प्रकारचा कामधंदा करीत नाही। बहरहाल रामनगर पुलिस ने कड़ी जांच पड़ताल की और आरोपी दीपक भनगे को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।